बेटर वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम टू अकोमोडेट पीसफुली टू एस्टेब्लिश हारमोनी इन द सोसाइटी और टू गवर्न इन द कंट्री. ओके, इन श्रीलंका, श्रीलंका फॉलोड वट? श्रीलंका फॉलोड मेजोरिटीज्म, वेयर वी कैन सी वट? सिविल वार. ओके, सो नाउ द सेकंड चैप्टर इज देयर, फेडरलिज्म. इन फेडरलिज्म वी हैव टू रीड हाउ पावर इज गिवेन, हाउ पावर इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट यूनिट्स. ओके, वेन वी स्टार्ट द चैप्टर फेडरलिज्म, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर कि वट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म, वट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म, फेडरलिज्म है क्या? तो वी शुड कीप द एग्जाम्पल इन आवर माइंड कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री. इट मीन्स जब पावर जो है वो सेंट्रल यूनिट से उठा करके डिफरेंट यूनिट को दिया जाता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लिया गया और स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, लोकल गवर्नमेंट को दिया गया और डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया गया, दिस सिस्टम इज कॉल्ड फेडरलिज्म. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म का अर्थ क्या होता है? इफ एनी वन आस्क क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म, सिंपली यू कैन आंसर दैट द फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ अ कंट्री. ओके, हियर वी कैन सी कि देयर आर टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. फर्स्ट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री. एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे देश को देख रहा है. क्लास 8 में भी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, कि डिफरेंट लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो बहुत सारे ऐसे लिस्ट हैं जो यूनियन लिस्ट में है, जो पूरे देश का जो सब्जेक्ट है, जैसे रेलवे, डिफेंस एक्सेट्रा, तो वो सब जो है सेंट्रल अपने पास रखता है. तो फर्स्ट लेवल जो है वो सेंट्रल का है जो पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. ओके, तो फर्स्ट लेवल इज द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री विच यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. ओके, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. जो भी होगा पूरे देश के लिए वो गवर्नमेंट काम करेगी. ठीक है, रेलवे का डेवलपमेंट होगा, पूरे देश में डेवलपमेंट होगा. ओके, डिफेंस फॉर द नेशन. इसी प्रकार ये व्यवस्था की गई है, डिफरेंट लेवल्स जो है वो दिया गया और सबसे पहला लेवल जो हम देख रहे हैं वो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे नेशन के लिए है. देन सेकंड वी कैन सी स्टेट गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हम ये देखते हैं कि वो पार्टिकुलर स्टेट के लिए होता है. ओके, जैसे अगर हम बात करें तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट हेडक्वार्टर इज देयर इन दिल्ली, देन स्टेट गवर्नमेंट इफ वी आर इन द बिहार तो हेडक्वार्टर इज देयर इन बिहार, पटना. ठीक है, तो ये सबका अपना लिस्ट है कि कौन सी गवर्नमेंट कौन से काम को देखेगी, कौन से सब्जेक्ट को देखेगी. स्टेट गवर्नमेंट के पास भी लिस्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट कौन से काम को देखना है, जैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिसे लोकल गवर्नमेंट या सॉरी स्टेट गवर्नमेंट उसको देखता है. ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है. तो हियर वी कैन सी द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. पावर जो है दो लेवल में बांट दिए गए हैं, दो जगह पे कर दिए गए हैं. एक जो है यूनियन गवर्नमेंट को पावर दिया गया है और दूसरा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को. और इसी व्यवस्था को तो हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म. जस्ट आई टोल्ड कि व्हाट इज फेडरलिज्म,
तो फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. ओके, आई विल टीच यू लेटर कि सम पावर ऑफ द सेंट्रल ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेकन आउट एंड गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड द पावर ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट सम इम्पॉर्टेंट पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट. वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे. तो ये हम देख रहे हैं कि फेडरलिज्म में क्या हो रहा है कि पावर को शेयर किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, बांटा जा रहा है डिफरेंट यूनिट्स में. ठीक है, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट एट अ ग्लांस आई एम टीचिंग. फिर आओगे तो हम फिर से लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करेंगे. एट अ ग्लांस पहले इस बात को समझ लो कि इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट. इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड अ स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. वो जो सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंटली दे दिया गया है उस पर स्टेट गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं पूछ सकता है. इट्स द मैटर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स द मैटर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करे, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करे, कोई रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल नहीं है. ओके, नाउ द डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न टू द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर्स हैज इट्स ऑन ज्यूरिस्डिक्शन इन द स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ द लेजिस्लेशन टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. इस बात को समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. जैसे डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न टू द सेम सिटीजन. जैसे हम एक नागरिक हैं, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. तो वी आर इंजॉइंग द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी. रेलवे का भी फायदा उठा रहे हैं हम लोग. ओके, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी फायदा मिल रहा है हमें. ठीक है, हम टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं, हम टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं. ओके, सुप्रीम कोर्ट भी है तो अपना हाई कोर्ट भी है. ठीक है, समझ में बात आ रही है? सिटीजन एक ही हैं, हम कहीं भी हों, हम इंडिया में के बिहार में खड़े हैं, हम इंडिया में यूपी में खड़े हैं, हम पंजाब में खड़े हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं होता है. एक तो जिस गवर्नमेंट या जिस स्टेट में हैं तो वहाँ की जो फैसिलिटी है वो भी इंजॉय कर रहे हैं, और दूसरा जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, जो व्यवस्था की गई है, उसको भी इंजॉय कर रहे हैं. ठीक है, टैक्सेशन हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स दे रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट को भी टैक्स दे रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स दे रहे हैं, और इसी प्रकार सबका अपना एक न्यायिक व्यवस्था भी है. इज देयर एनी प्रॉब्लम? अनदर एग्जाम्पल, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी एट डिफरेंट लेवल. ठीक है, ये भी जो है वो सेम सिटीजन पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं. तो ये हम दिमाग में रखें कि डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट इच टायर्स हैज इट्स ऑन ज्यूरिस्डिक्शन एंड अ स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ द लेजिस्लेशन टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ अनदर पॉइंट, दैट इज द कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. जुडिशियरी सिस्टम ऑफ इंडिया इज इंडिपेंडेंट, और फेडरलिज्म में हम देख रहे हैं कि कोर्ट को ही पावर दिए गए हैं. ओके, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्ट
the constitution and the power of the different level of the government. वो हम जब बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान का एक गार्जियन अगर माना जाए तो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है. तो ये पावर वहाँ दिया गया है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, वन मोर पॉइंट मस्ट बी इन आवर माइंड दैट द फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड टू एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी. इसका उद्देश्य है कि सबको अकोमोडेट किया जाए. ओके, दो ऑब्जेक्टिव हैं. ड्यूअल ऑब्जेक्टिव का होता है कि दो उद्देश्य हैं इसके. पहला टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी, देश की एकता और अखंडता को बनाए, आपस में सामंजस्य स्थापित करें. और जो रीजनल डाइवर्सिटी होता है, जैसे मैंने श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल की बात की थी और सिंगला स्पीकर की बात की थी मैंने, मैंने पढ़ाया था वो बेल्जियम का एग्जांपल दिया था. तो ये सब जो प्रॉब्लम होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व किया जा सके. ठीक है, रीजनल जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, इस विविधता को दूर किया जा सके. और इसको दूर करने का सबसे बेहतर अगर कोई वे है तो वो है फेडरलिज्म. ओके, एट अ ग्लांस हम लोग समझ लेते हैं कि देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ द फेडरेशन एंड देयर आर, समझोगे, ये भी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ द फेडरेशन. तो देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ द फेडरेशन एंड दीज आर कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. क्वेश्चन ये भी आता है कि यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर. कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में क्या अंतर है? ठीक है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर. कमिंग टुगेदर का अर्थ क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म? इन दिस फॉर्म्स ऑफ द फेडरेशन इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म द बिगर यूनिट. ऐसे समझोगे जैसे छोटा छोटा इंडिपेंडेंट जो स्टेट हैं वो खुद ब खुद आकर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं. ठीक है, क्यों, क्या उद्देश्य है, क्यों ऐसा करते हैं? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशन इन फॉर्मिंग द फेडरेशन इज दैट बाय पोलिंग सोवरनिटी एंड रिलेटिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी. सुरक्षा के ख्याल से, अपनी एक पहचान बनाने के ख्याल से, है ना, छोटे छोटे यूनिट जो हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट जो हैं, आकर मिलकर एक बड़ा सा यूनिट बनाते हैं. और इस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं कमिंग टुगेदर. जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया हैव दिस फॉर्म्स ऑफ द फेडरेशन. कमिंग टुगेदर में क्या हो रहा है कि छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं, जब बहुत सारा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बेल्जियम का, है ना, बहुत सारे ऐसे नेशन हैं जो बहुत छोटा छोटा सा नेशन है. तो अपनी सुरक्षा के लिए कि अगर हम छोटे हैं, अगर हम यूनाइट होकर नहीं रह पाए, अगर एक बिग यूनिट नहीं होगा तो क्या होगा, दूसरे देश का अटैक हो सकता है, हम असुरक्षित महसूस कर सकते हैं. तो वैसी स्थिति में नेशन क्या करता है कि आपस में मिल करके, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट नेशन जो है आपस में मिलकर एक बड़ा सा यूनिट तैयार करता है, है ना, सेफ्टी के ख्याल से, यूनिटी के ख्याल से. जब खुद ब खुद आकर मिलते हैं तो ये व्यवस्था को कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन. वंस अगेन लिसन, इन दिस फॉर्म्स, इन कमिंग टुगेदर फॉर्म्स ऑफ द फेडरेशन इंडिपेंडेंट स्टेट come together to form a bigger unit. If anyone asks question, what do you mean by coming together federalism,
you are free to reply that in this form of the federation, independent state come together to form a bigger unit. बड़ा यूनिट बनाने के लिए छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राज्य और राष्ट्र आपस में एक बड़ा सा यूनिट तैयार करते हैं और इसी व्यवस्था को कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन. एग्जाम्पल मस्ट बी देयर इन योर माइंड एंड दैट इज यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया एक्सेट्रा. नाउ अनदर पॉइंट इज देयर holding together. Okay, now holding together federation. In this forms of the federation, a large country decide to divide power between the constituent state and the national government. यहाँ पे छोटा country नहीं होता है, छोटा independent state नहीं होता है. यहाँ जो nation है वो बड़ा होता है और वो अपने पावर को अपने स्टेट के बीच में डिवाइड करता है. वंस अगेन लिसन, इन दिस फॉर्म्स ऑफ द फेडरेशन, इट मीन्स होल्डिंग टुगेदर फॉर्म्स ऑफ द फेडरेशन, अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट है ना एंड नेशनल गवर्नमेंट. अभी मैंने बताया कि यूनियन गवर्नमेंट का पावर जो है लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सारे पावर को लेकर के वो लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है. ओके, तो ऐसे देश में हम बात कर सकते हैं, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, दिज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट होल्डिंग टुगेदर. बेल्जियम भी होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल है, दिमाग में रखना. मैंने ये बताया था कि बेल्जियम छोटा देश है, फिर भी वो होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है. ओके, इन दिस फॉर्म ऑफ द फेडरेशन अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल. इसमें क्या होता है, जो केंद्र सरकार होता है और केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर दिए जाते हैं. ओके, एंड एग्जाम्पल मस्ट बी देयर इन योर माइंड. एग्जाम्पल ऑफ द होल्डिंग टुगेदर इज इंडिया, स्पेन, बेल्जियम एक्सेट्रा. एंड कमिंग टुगेदर इज एग्जाम्पल ऑफ द कमिंग टुगेदर इज यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया एक्सेट्रा. Okay, if you have any problem, it's your time to ask question. Now, another point. Now, question comes here, ki why India opted democracy or federal form of the government? Why not India opted unitary government or unitary government? मैंने बोला unitary government को समझोगे, federalism का opposite है unitary government. ठीक है, तो यहाँ पे question आता है कि India ने federal form को ही क्यों opt किया. तो ये question हम आपको ऑफलाइन क्लास में आओगे तो पढ़ाएंगे. ओके,